जय श्री महाकाल दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का कहर अब किस कदर बढ़ता जा रहा है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि खुद को दबंग साबित करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो कि खुद को दबंग बनाना चाहते हैं, जो कि कभी भी किसी से डरते नहीं है, और ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए भी है जो कि अक्सर लोगों से डर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा वारदात पता चलेगा कि आखिर क्या है सच्चाई। दरअसल आपको पता ही होगा कि दुर्लभ कश्यप जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला था, बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप जो कि बचपन से ही बेखौफ था, वो कभी भी किसी से डरता नहीं था, और बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप जो कि फेसबुक के माध्यम से आपराधिक काम करता था। बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप जो कि फेसबुक पर अक्सर हथियारों के साथ अपना फोटो पोस्ट किया करता था। ठीक इसी तरह से एक वारदात सामने आया है। दरअसल बताया जाता है कि बीकानेर का दो शख्स जो कि हाल ही में गिरफ्तार हो गया है, लेकिन यदि आपको ये पता चलेगा कि आखिर उसे गिरफ्तार क्यों करा गया तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि आज के समय में जिस तरह से अपराधियों का संख्या बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से हमारे चारों ओर अपराध बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल पैदा करती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर है जिसने की कई तरह का आपराधिक काम करा, और आज के समय में इस आधुनिक युग में जो कोई भी आपराधिक काम करता है तो वो सोशल मीडिया का उपयोग करता है। हाल ही में बताया जाता है कि बीकानेर शहर का दो लड़का जो कि बताया जाता है कि उसने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया जिस अकाउंट पर अक्सर वो हथियारों का फोटो और वीडियो अपलोड किया करता था, और बताया जाता है कि जब वो कोई भी पोस्ट करता तो उसके बाद बहुत सारे लोग उसके वीडियो और उसके फोटो को लाइक किया करते थे। बताया जाता है कि वो दोनों लड़का बहुत कम समय में हाईलाइट हो गया और वो लोग भी चाहता था कि वो लोग भी दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर हो जाए। दरअसल बताया जाता है कि हाल ही में पुलिस वालों ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब चर्चा करते हैं कि आखिर उन लोगों ने जो इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया था उस अकाउंट का नाम क्या था। दरअसल बताया जाता है कि उन दोनों लड़कों ने माफिया फौजी नाम से एक अकाउंट बनाया था। अब देखो सोचने लायक बात है कि फौजी के अंदर माफियापन कैसे हो सकता है, उसने फौजी के नाम के आगे माफिया लगा दिया, तो कहीं ना कहीं उसने फौजी के नाम का गलत इस्तेमाल करा और उसने फौजी के नाम पर हथियार का वीडियो हथियार का फोटो पोस्ट करा जिस वजह से पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक चीज अवश्य सीख लेना चाहिए कि यदि आप में से कोई भी ऐसे हो जो कि आपराधिक काम करते हो, खुद को दबंग साबित करना चाहते हो, लेकिन यदि वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित नहीं हो। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम ना दे, क्योंकि पुलिस वाले आज के समय में काफी सख्त हैं, और यदि आप किसी भी तरह से आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हो वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाओगे। इसीलिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नया खबर अवश्य मिला होगा।